अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लॉयस टीवी। मैं हूं असलम परवेज एडवोकेट। नाजरीन, आज हम घूम रहे हैं, कौन सी जगह है? शोगरान भाई, भूल जाते हैं। हमारे पीछे गवर्नर हाउस है नाजरीन। रोड गो के काबिल तारीफ नहीं है, लेकिन लोग अच्छे हैं। अच्छा, यहाँ हमें सरेदा बहुत सारे लोग मिलते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। उसी तरह से यहाँ चार पाँच भाई हैं बैठे हुए हैं। ये देखिए कुछ बना रहे हैं, ये आलू के देखिए, ये इसको मेरा ख्याल है फ्राई बनाएंगे, चिप बनाएंगे, चावल बनाएंगे रात के लिए। आप कहाँ से आए प्यारे भाई? हम फैसलाबाद से आए हैं। ये टूट जाए, ये कुर्सी रख ले। देखा, ये हमारी इकोनॉमी है भाई, ये कुर्सी रख ले, कुर्सी पे बैठ। हाँ भाई, तो आप कहाँ से आए भाई जन? फैसलाबाद। जिसने नहीं देखा वो जमिया नहीं यार, नहीं लाहौर नहीं, जिसने देखा नहीं, मैं घुमा देता हूँ। लेकिन फैसलाबाद भी तीसरा बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, नवाज शरीफ का एरिया है। तो आप यहाँ कितने दिन हो गया भाईजान? हम आज आए हैं तो दो दिन के लिए आए हैं। तो ये क्या आपने, मतलब ये कैंपिंग लगाया हुआ आपने? ये हमारा प्रोग्राम कैंपिंग का था, तो फिर ये इधर मुनासिब जगह नहीं मिली, इसलिए होटल ले लिया। तो अब ये अब रात के खाने का इंतजाम कर रहे हैं। खुद पकाएंगे? हाँ जी, खुद बनाएंगे। यानी ऐसे होटल को आप चूज करते हैं जहाँ खुद पकाओ खुद खाओ? हाँ जी, खुद पकाओ खुद खाओ। अरे अरे, देखिए दिखाइए भैया, ये पूरा इंतजाम करके आए, जैसे काटिएगा आप थोड़ा, हम जरा देखे, ये काटेंगे ऐसे ना, तो ये सारा हमारे पास पूरा इंतजाम है, खाने पीने का, कैंपिंग का। खाने पीने का तो हम भी आते हैं। हाँ, कैंपिंग पकाने का, कैंप भी है हमारे पास, लेकिन इधर उन्होंने लगाने नहीं दिया कैंप, तो फिर होटल लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कैंपिंग का शौक कोई मामूली शौक नहीं है, कब से ये शौक आपके है पास? ये शुरू से है, शहर के शुरू से शौक है। अच्छा, नाम क्या है भाई जान आपका? मेरा नाम मोहम्मद तलहा ज़िया है। तलहा ज़िया भाई, ये बताइए कि पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाह हैं आप? यकीन है ये सवाल अजीब सा है। नहीं, लेकिन तरक्की के बगैर तो कोई मुल्क कुछ भी नहीं है ना। क्यों नहीं तरक्की कर रहा है? 70-75 साल हो गया। नहीं, माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहा है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आप किस तरह से ऊपर पहुँचे? मैंने 91 में काम शुरू किया, थोड़े से पैसे, तो आज मैं ये माशाल्लाह गाड़ी पे ग्लोरी पे फिर रहा हूँ। तो ये पाकिस्तान तरक्की कर रहा है तो लोग ऊपर आ रहे हैं ना। ये आप पाकिस्तान बहसीत रियासत के क्या तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है अपने रीजन में? ये माशाल्लाह पाकिस्तान रियासत बहुत अच्छा जा रहा है। बाकी महंगाई तो हर मुल्क में है। महंगाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान पहले एजुकेशन में, अब देखिए आज के एजुकेशन जो है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का है, आईटी टेक्नोलॉजी का है। पाकिस्तान का कहीं नाम और निशान नहीं है इस फील्ड में। हाँ जी, फील्ड में, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएगा अभी। यानी उम्मीद है, जुड़ा है शजर से, उम्मीदें बाहर रख इंशाल्लाह ताला। ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बात, बिल्कुल ये हमारे बच्चा कुछ बोल रहा था, मुझे अच्छा लगा आपकी बात। आप बताइए, इसको पकड़िए साहब, और आप जरा यूथ की जिम्मेदारी पाकिस्तान या हमारे माशरे में जरा बताइएगा बेटा, व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यूथ? रिस्पांसिबिलिटी तो गवर्नमेंट की पासदारी। आई हाय, थोड़ा आवाज से बोल रहे हैं वो कहीं। दूसरा ये है कि जो आजकल तालीमी तौर पर जो गलत सरगर्मियाँ होती हैं, मसलन जैसे आजकल सिगरेट नोशी, वेप और शीशा, काफ़ी डिफरेंट किस्म के एडिक्शन, तो उनको तर्क करना चाहिए। जरा मुहज़्ज़िबत की काफ़ी कमी है आजकल के बच्चों। मुहज़्ज़िब यानी टीचर्स की रिस्पेक्ट वगैरह, रिस्पेक्ट यानी कौल व किरदार, अखलाक, मामलात, इस सब मामले में हमें ज़रूरत है कुछ आगे बढ़ने की। 66% अराउंड यूथ है। हम कहीं पे भी देखते हैं, क्या नाम बताया अपना? शुजा बेटा। हम कहीं पे भी देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि लड़के कहीं गली के कोने पे, शहर में देखते हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, या गली कोने में, या क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने वक्त को ज़ाया करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप उसको, उसके लिए कोई सजेशन है, कोई दर्दमंदाना उनके अपील अगर हो उनके लिए, ताकि वो अपने माँ बाप के नाम रोशन करें, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें, और मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन करें, किसी का नहीं तो अपने जात का करें। ये तो तब होगा जब नाउम्मीदी ख़त्म होगी लोगों के अंदर, उम्मीद नहीं ना है कि हम कुछ कर सकते हैं। इस
वजह से। छुया आपने तो मैन ऑफ द मैच बन गए भाई, जबरदस्त बात की कि नाउम्मीदी, यानी बोलते हैं नाउम्मीदी कुफ्र है और हम नाउम्मीदी मजबूर हैं। जैसे अभी हम ऊपर आए गाड़ी से, आप भी आए, रोड कितना सत्यानाश हुआ हुआ है, आप देख लीजिए। ये रोड जो है ना, दरअसल ये हम कोई 20 साल से आ रहे हैं, 20 साल से ऐसा ही है, मगर ऐसा से वैसा होना चाहिए ना, ऐसा ही रहेगा ये लगता है। पहले एक होटल होता था इधर पाइन पार्क, सिर्फ एक होता था, अब आपने देख लिया कितने, सिर्फ एक होटल होता था और ये मैदान होता था। आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो रोड 20 साल पहले भी वैसा ही था, आज भी ऐसा ही है। ये समझ नहीं आ रही क्यों नहीं बांटता, बाकी ये बर्फबारी होती है टूट जाता है, इलाका ऐसा है, लैंडस्लाइडिंग होती है। आप बहुत पॉजिटिव है, आपको पॉलिटिशियन बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि जब वो माल ना लगाना हो वो बोलेंगे यार वो देखो वो बहुत सही बात कर रहा था कि यार ये है तो वो है, वजह ये है। बेहतर यही है कि बस तुम मुझे वोट दो, मैं अपने माल तैयार करूं, बाहर मुल्कों में चीज़ें को जमा करूं और हमें वोट देते रहो, आवाम की बस जिम्मेदारी सिर्फ यही। और ये जो शुजा ने जो ज़बरदस्त एक बात की कि होपलेस, नाउम्मीदी अगर हमारे माशरे से ख़त्म हो जाए तो आप क्या कहते हैं मुन्ना अबाउट यूथ, के यूथ की जो रिस्पांसिबिलिटी है हमारे माशरे में क्या होना चाहिए? शुजा जो बात की उससे मुख्तलिफ बात कर लीजिएगा। मोबाइल काम चलाएं, तालीम पे तवज्जो दें, बस। क्या बोला? मोबाइल कम चलाएं, तालीम पे तवज्जो दें। मोबाइल कम चलाएं, तालीम पे तवज्जो दें, मोबाइल को भी तालीम के तौर पे इस्तेमाल करें। हाँ, सोशल मीडिया से जरा थोड़ी सी तवज्जो हटा। अपने नाम क्या है? अहमद। बेटा आप क्या सजेशन देंगे अपने यूथ को, अपने जैसे हम उमर को, अपने पढ़ाई पे फोकस करें द बेस्ट। यस, अपने पढ़ाई पे फोकस करेगा तभी मुस्तकबिल होगी जी, बेहतरीन। जब पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो यकीनन माँ बाप भी खुश होंगे जी, और ख़ानदान में भी नाम रोशन होगा, है ना? सही है, क्या नाम है इनका? अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। आप क्या कहते हैं मिस्टर टॉल मैन, यूथ की जिम्मेदारी क्या है, कैसे तरक्की होगी? ये कौन है आपके? ये आपके ताया, आपके बाबा, आपके ख़ानदान कैसे आप पे प्राउड करें, कैसे आप पे फख्र करें, क्या होना चाहिए? मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर एजुकेशन के लिए होते हैं, हम कोई भी डिग्री कर रहे हैं ना उसमें, ये डिग्री में जो सब्जेक्ट्स हैं ना उनके रेलिवेंट समय कम पढ़ाते हैं, जो इररेलीवेंट चीज़ें हैं ना, मतलब अगर कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, मेरी कंप्यूटर साइंस के मेन 2 या 3 कोर्सेज होंगे, उसमें ज़्यादा जो पीछे इस्लामियत के 2-3 कोर्सेज डाल देते हैं, दूसरी बुक्स का बर्डन बहुत ज़्यादा डाल देते हैं हमारे पाकिस्तान में ना एजुकेशन में, जिसकी वजह से बच्चा ना जो मेन सब्जेक्ट है उन पर कॉन्सनट्रेट करें ना अगर, तो वो फिर दूसरे सब्जेक्ट उनकी वो कहते हैं नंबर गिरा देते हैं या उनको फेल करा देते हैं, जिनकी वजह से पीछे आ जाते हैं। यानी आप करिकुलम में तब्दीली की बात कर रहे हैं, मेयार तालीम के साथ इसके जो निसाब है उसमें उसको बेहतर बनाने की, निसाब होना चाहिए कि ना, मतलब जो आप डिग्री कर रहे हैं ना उस सब्जेक्ट के रिलेटिव आप जो मर्जी कोर्स, जितने मर्जी कोर्स कर लें, जितने मर्जी सब्जेक्ट कर लें, वो फ़ायदेमंद रहता है बंदा, क्योंकि वो आप एक डिग्री के रेलिवेंट्स कर रहे हैं। अब आप कंप्यूटर की डिग्री कर रहे हैं उसमें आप इस्लामिक पढ़ा रहे हैं, अरबी पढ़ा रहे हैं, अरबी को जाहिर बात है सीखने में टाइम लगता है, अरबी इतनी आसानी से तो नहीं याद होती। अब हमारा लास्ट टाइम का भी पिछला सेमेस्टर था, उसमें अरबी में 1 क्रेडिट आर का कोर्स था, और अरबी में तकरीबन अरबी हदीसें थी 40 हदीसें थी, और हफ्ते में सिर्फ 1 क्लास होती थी, सेमेस्टर 4 महीने का होता है बताइए, और 1 क्लास होती है हफ्ते में और 40 हदीसें। आखिर में जाकर टीचर्स कुछ कहते हैं कि आप कोर्स खुद कर लें, घर से दे देते हैं, वो टीचर्स को फिर पढ़ाते नहीं हैं, तो आप फिर वो ना ख़त्म बाद में जब पेपर आते हैं फिर बच्चों को आते नहीं है हदीसें, जाहिर बात है अरबी याद करनी मुश्किल है, तो जब आते हैं तो फिर वो फेल हो गए। अब ये रिसेंटली अभी रिजल्ट आया तो काफ़ी बच्चे ने इस्लाम में फेल थे, जिसकी वजह से वो पिछला फिर मेन सब्जेक्ट में भी नहीं और फिर नंबर नहीं आया, फिर वो डिप्रेशन डिस्पॉन्स हो देते हैं, फिर इसी वजह से आजकल बहुत सारे यूथ सुसाइड कर लेते हैं। आई हाय, यानी उनको उनका मुस्तकबिल नजर नहीं आता। पाकिस्तान में आजकल सुसाइड, यूथ की सुसाइड का रेशियो ज़्यादा है ड्यू टू दिस होपलेस, जो शुजा ने अभी बात की, नाउम्मीदी बहुत ज़्यादा है ना। अगर बच्चे कुछ करना भी चाहे ना, कई बार टीचर्स ऐसी बात कर देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में कई बहुत सारे टीचर्स होते हैं, अगर कोई बच्चा फर्स्ट दे गया है, टीचर को पसंद नहीं आया या उसके साथ कोई बदतमीजी करती, मतलब कुछ होते हैं ना बच्चे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ भी हो गया, अगर टीचर का कोई भी बात कर दें तो आगे से कहते हैं हमने आपको पास नहीं करना। अल्लाह, इतनी जुर्रत,
हाँ टीचर यूनिवर्सिटी में ही लाइफ है, यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर आप टीचर से उसकी पंगा नहीं ले सकते, हाँ नहीं ले सकते, उसकी मर्जी है, वो आपको पास कर देंगे। आप उसके खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं कर सकते कहीं? कंप्लेन तो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का एजुकेशन इस तरह, यहाँ पे कोई कंप्लेंट हो सके तो उनका। तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को और हुकूमत वक्त को ये बोलेंगे कि निसाब में ज़रा सा तवज्जो दें, इररिलेवेंट चीज़ों को ना डालें, जो रिलेवेंट चीज़ें हैं उनको पढ़ाएं, तो फिर जाहिर सी बात है स्टूडेंट बाकी चीज़ों को ऑप्शनल दें। हाँ ऑप्शनल देखें, आप एक स्टूडेंट आया कंप्यूटर या कोई भी डिग्री कर रहा है, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, उसका उसमें इंटरेस्ट है, वो पढ़ रहा है। अब कई सब्जेक्ट इस तरह होते हैं जिस तरह मैथ बच्चों को, कईयों को मैथ नहीं पसंद, कईयों को बायो नहीं पसंद, अब वो पढ़ रहे हैं फिजिक्स नहीं पसंद, अब कोई डिग्री कर रहे हैं उसमें वो एक सब्जेक्ट लाजमी होगा जो उनको नहीं पसंद, लेकिन वो इररिलेवेंट होगा उस डिग्री से। और ज़िंदगी में भी कभी काम भी आने को, हाँ उस डिग्री में उसको काम ही कोई नहीं है। देखिए अब मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, मेरी डिग्री में मुझे इस्लाम में अरबी का कोई काम नहीं, कंप्यूटर में मुझे अरबी की क्या ज़रूरत है। हाँ इस्लाम का कोर्स देना चाहिए, दीन के बारे में बताना चाहिए, मगर रट्टा एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए उसमें, फिर है ना बर्डन नहीं जाना चाहिए बच्चों को, ये बटन नहीं डालना चाहिए कि आपने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो उसका ना फिर एक अगर आप इररिलेवेंट कोर्स है इस डिग्री के रिलेटेड उसमें थोड़ा तवज्जो दें, लेकिन बता दें इतना उस पर बर्डन ना डालें कि वो अपने मेन कोर्स है जो मेन सब्जेक्ट है उनसे उससे रह जाए, उससे रह जाए, आजकल ये बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन अगर आप इन तमाम लोगों के राय से मुत्तफिक हैं, आप ज़रूर अलग अलग कॉमेंट कीजिएगा। एक हमारा बच्चा रह गया, ही लुक्स स्मार्टर देन एनीवन एल्स, तो आप जरा बताइएगा व्हाट्स योर नेम बडी? मोहम्मद बिन तलहा। मोहम्मद बिन तलहा, आई लाइक टू टॉक यू टॉक विथ यू अबाउट एनी इशू, व्हाट एवर यू लाइक यू टॉक, व्हाट एवर यू लाइक, जो आप चाहते हैं वो बात, जैसे यूथ के मुतालिक बात की, होपलेस के मुतालिक शिजा ने बात की, तो तरक्की के मुतालिक इन्होंने बात की, ना उम्मीदी या उम्मीदी के बीच में एक लकीर होता है, तो लकीर की बात की, तो आप क्या समझते हैं आप क्या बनेंगे? आपका नाम तलहा बिन मोहम्मद बिन तलहा। मोहम्मद बिन तलहा, ये सब कौन है आपके? दिखाइए फादर को, फादर फादर बहुत प्यारा है चूँकि बहुत दूरंदेश है, फादर से सियासतदान खुश रहेंगे भाई, आई होप। हाँ तो मोहम्मद बिन तलहा आप क्या बनना चाहते हैं, क्या बनेंगे फ्यूचर? Different than your cousins, huh? तो आप business करेंगे, which type of business would you like to talk? Cars. Cars का, यानी car का मतलब showroom का, manufacturing का, किस चीज़ का? Manufacturing का। He's a smarter buddy. बाबा जी आपका बेटा डॉलर लेकर आएगा इंशाल्लाह, ढेर सारा। हम मैन्युफैक्चरर हैं इस चीज के, यस पैकिंग के। हाँ पैकेजिंग, पैकिंग दिखाइए। ये पैकिंग इस तरह की, पोली पैकिंग, ये वाली पैकिंग इस तरह की, हम मैन्युफैक्चरर हैं। तो ये आप कार का करें, ये आप मैन्युफैक्चरिंग है इस चीज की, पॉली पैकिंग के। पॉली पैकिंग यानी आप टिश्यू पेपर वगैरह ये वो सब चीजें, जो भी पॉली पैकिंग, जो भी पॉली पैक पैक करने की जिम्मेदारी हमारे भाई साहब की है। जबरदस्त जबरदस्त, ये पकड़िए आपका पैकिंग का, वो सामने जैतून का तेल। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा असलम परवेज और तमाम साथियों को जो यहाँ पंडाल में हैं, उनको इजाजत दीजिए और कोशिश कीजिएगा अपना अपना हक अदा कीजिए। ये क्या बना रहे हैं? अपना अपना हक अदा कीजिए जो आपकी जिम्मेदारी है, चावल बना रहे हैं। और हमारा हक सबसे पहले ये है कि जो ये पकाए वो हम खाएं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।